वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की इस वीडियो में हम CSS के अंदर मल्टीपल कॉलम्स के बारे में बात करेंगे। अब जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो या वेब पेज भी कोई खोलते हो, यानी कोई भी वेबसाइट खोलते हो, वहाँ पर आपने कई बार देखा होगा कैसे हमारा जो कंटेंट है वो डिफरेंट मल्टी कॉलम्स की फॉर्म में होता है। तो और इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारी जो कंटेंट की रीडेबिलिटी है वो इम्प्रूव होती है, यानी कि हम आसानी से अपने कंटेंट को रीड कर सकते हैं जब वो डिफरेंट कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। तो आज हम इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कॉलम काउंट, कॉलम गैप, कॉलम रूल स्टाइल, कॉलम रूल विड्थ, कॉलम रूल कलर, कॉलम रूल, कॉलम स्पैन, कॉलम विड्थ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आप देख सकते हैं कैसे एक लॉन्ग पैराग्राफ की फॉर्म में मुझे पेज पर ये कंटेंट शो हो रहा है, बट अब मैं इसको मल्टी कॉलम्स में डिवाइड करना चाहती हूँ जिससे कि मैं अपने कंटेंट की रीडेबिलिटी को थोड़ा सा अच्छा कर सकूँ। उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ये मेरा कोड है जहाँ पर ये मेरा काफ़ी लंबा पैराग्राफ दे रखा है मैंने बॉडी टैग के अंदर, और ये मेरा फॉन्ट साइज दे रखा है। तो अब इसके अंदर हम सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो है कॉलम काउंट, यानी कि मैं कितने कॉलम्स में अपना जो ये कंटेंट है उसे डिवाइड कराना चाहती हूँ। यहाँ पर मैं एक छोटी वैल्यू 2 देती हूँ, तो देखिए ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू देते हैं जैसे कि 5। तो ये मेरा आप देख सकते हैं कैसे 5 कॉलम्स में कंटेंट डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू जैसे कि अगर 3 दे देते हैं, तो देखिए अब ये 3 कॉलम्स में दिख रहा है, यानी कि हम जितने मर्जी यहाँ पर कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं अपने कंटेंट को, और मुझे कितनी आसानी से मैं रीड भी कर सकती हूँ, कितना फ़ायदा है इस प्रॉपर्टी का। अब अगर हम यहाँ पर जो हमें स्पेस दिख रहा है, देखिए 2 कॉलम्स के बीच में, इसको अगर मैं इंक्रीज़ करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे एक और प्रॉपर्टी यहाँ देनी होगी, कॉलम गैप। इसके अंदर मैं वैल्यू देती हूँ 20 पिक्सल, हम कोई भी दे सकते हैं वैल्यू, तो यहाँ पर मुझे इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू कुछ और दे देते हैं, जैसे कि अगर मैं 40 पिक्सल देती हूँ थोड़ी ज़्यादा स्पेस क्रिएट करने के लिए, तो देखिए अब मुझे अच्छे से स्पेस यहाँ दिख रहा है। हम और स्पेस भी दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं वैल्यू को कर दूँ यहाँ पर 60 पिक्सल, तो देखिए अब और स्पेस क्रिएट हो गया। बट अब मैं चाहती हूँ कि अपने जो ये 3 कॉलम्स हैं मेरे, उनके बीच में मैं कुछ लाइंस को शो कराऊँ रूल्स की फॉर्म में, यानी कि तो उसके लिए मुझे यहाँ क्या करना होगा, एक प्रॉपर्टी देनी होगी कॉलम रूल स्टाइल, और यहाँ अगर मैं वैल्यू दे दूँ सॉलिड, तो देखिए अब मुझे यहाँ पर ये 2 बीच में रूल्स शो हो रहे हैं, तो ये मुझे सॉलिड की फॉर्म में शो हो रही है रूल, तो मैं इसको डैश्ड की फॉर्म में भी डिस्प्ले करवा सकती हूँ। बस मुझे यहाँ स्टाइल के अंदर क्या प्रॉपर्टी देनी होगी, डैश्ड। तो आप देख सकते हैं कैसे मुझे डैश्ड यहाँ पर रूल शो हो रही है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं इसकी अगर विड्थ को चेंज करना चाहती हूँ तो उसके लिए मुझे प्रॉपर्टी लगानी होगी कॉलम रूल विड्थ, और इसके अंदर मैं वैल्यू दे देती हूँ जैसे कि 10 पिक्सल। तो देखिए कैसे अब यहाँ इसकी जो मेरी विड्थ है वो बढ़ चुकी है। तो हम इसे कुछ कलर भी दे सकते हैं, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर प्रॉपर्टी देनी होगी कॉलम रूल कलर, और यहाँ वैल्यू दे देते हैं लॉन ग्रीन। तो देखिए कैसे अभी मुझे ग्रीन कलर का रूल दिख रहा है। हम और कोई कलर भी दे सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैं कलर दे देती हूँ ब्लू, और यहाँ से डैश्ड की जगह मैं और कोई वैल्यू भी दे सकती हूँ रूल स्टाइल को, जैसे कि मैं ग्रुप दे देती हूँ। देखिए अब कैसे मुझे ग्रुप की फॉर्म में शो हो रहा है और ब्लू कलर का मुझे दिख रहा है। तो यहाँ हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि मुझे सारी वैल्यूज़ एक ही लाइन में मैं दे सकती हूँ। तो यहाँ से मैं क्या करूँगी, कॉलम जो गैप है और ये सब अभी फ़िलहाल के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ हटाऊँगी, और यहाँ प्रॉपर्टी देती हूँ कॉलम रूल, और इसके अंदर मैं क्या करूँगी, सबसे पहली वैल्यू हमें देनी होती है कॉलम विड्थ को, जैसे कि मैंने 1 पिक्सल दी। फिर हम स्टाइल देंगे यहाँ पर, जैसे कि मैं दे देती हूँ ग्रूव, ग्रूव के बजाय हम अब डैश्ड देते हैं। और अब हम क्या करेंगे, हमें कलर देना होता है जो कि मैं देना चाहती हूँ, जैसे कि मैं देना चाहती थी लाइट सेलमन, एंड नाउ लेट सी। तो ये क्या हुआ, ये तो मेरा अभी मुझे दिख ही नहीं रहा ना, क्योंकि मैंने यहाँ कॉलम काउंट प्रॉपर्टी तो दे ही नहीं रखी है, तो मुझे कैसे दिखेगा कि मेरे को कितने कॉलम्स में डिवाइड कराना। तो आपको समझ आ रहा होगा कि कॉलम काउंट प्रॉपर्टी कितनी एसेंशियल है। हम यहाँ पर अब 4 वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि मैं 4 कॉलम्स की फॉर्म में यहाँ डिवाइड करना चाहती हूँ।
तो आपको दिख ही रहा होगा ना यहाँ पर इसकी, ये हमें बहुत काफ़ी लाइट कलर है और हमें अच्छे से दिख भी नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं, जैसे कि 10 पिक्सल कर देते हैं, तो आपको अच्छे से यहाँ पर दिख रहा होगा ये रूल स्टाइल मेरा, और कलर भी दिख रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हेडिंग एलिमेंट क्रिएट करते हैं, यहाँ ऊपर क्रिएट करूँगी मैं, और इसके अंदर मैं टाइप करती हूँ वायरस। और अब हम क्या करेंगे, ये जो हेडिंग टैग है इसके अंदर मैं प्रॉपर्टी देती हूँ कॉलम स्पैन। अब आपने रो स्पैन ये सब, और ये सब पढ़ा होगा आपने कॉलम स्पैन भी HTML के अंदर, कि उसके हेल्प से हम क्या करते हैं। तो यहाँ मैंने वो वैल्यू दे दी ऑल, तो इससे क्या होगा देखते हैं। तो देखिए मेरी जो हेडिंग है वो मुझे कैसे शो हो रही है यहाँ पर, इसने पूरे जो ये 4 कॉलम्स हैं इनको यानी कि स्पैन कर लिया है। तो अब कॉलम स्पैन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से पैराग्राफ टैग को फिलहाल हटाते हैं, और मैं क्या करूँगी, यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, और यहाँ मैं डिफ टैग देती हूँ, और H1 को भी उसके अंदर ही दूंगी, और यहाँ मैं डिफ टैग को क्लास दे देती हूँ डी, और यहाँ इसे नीचे बंद कर देती हूँ। तो ये मैंने इसे बंद कर दिया, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पी जो मैंने दे रखा था यहाँ क्लास डी में लगा देती हूँ, और अब हम देखते हैं कि अगर मैं यहाँ कॉलम स्पैन को वैल्यू जो मैंने ऑल दे रखी है अगर मैं हटा देती हूँ तो हमें कैसे शो हो रहा है। तो देखिए अभी मेरा जो वायरस है ये मुझे सिर्फ एक कॉलम के ऊपर ही शो हो रहा है, बाकी कॉलम से तो एकदम ही डिफ्रेंशिएट हो गया, अलग हो गया है, बट यही अगर मैं वैल्यू यहाँ पर ऑल दे देती हूँ, तो देखिए अब सब कॉलम्स के लिए मेरी ये एक ही हेडिंग मुझे शो हो रही है। तो होप सो अब आप कॉलम स्पैन प्रॉपर्टी को अच्छे से समझ पाए हैं। सो थैंक यू गाइस, होप सो आज आप मल्टी कॉलम्स के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को अच्छे से समझ पाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।